वालेकुम ठीक ठाक ऐसा डस्का इंजीनियरिंग तो रेहड़ी तैयार करवाइए तो चाचे हराने ना सब्जी वाली दुकान सी तो उन्होंने सुबह सुबह जाना हों तो मोटरसाइकिल उत्ते खड़ते हैं तो नहीं उत्ते होंगे है शावान कोई राह थोड़ा पाट जाता है रस्सियां ना बन बुन के मोटरसाइकिल का भी इन्ना भैड़ा हाल किया है और फिर असं डस्का इंजीनियरिंग आए हैं तो उन्हें सानू जरा रेहड़ी बना के दी है इस वजह तो साडा काम बहुत आसान हो गया सुबह सुबह मंडी लाई जाते हैं तो बाद चो असी फिर पट्ठे लै आने होंगे ने जाके। अच्छा शिवाब रशका इसलिए नहीं लिया 1.5-2 लाख का रशका लगता से सानू 40,000 के बन गया मोटरसाइकिल भी जो मर्जी लैदा कर ले दिए जो दिल करता पिछ रेहड़ी पा के लाइए दिए दो नट ने खोल के जो दिल करता ला देने 1-2 मिनट लगता है लाने के नट। इस रेहड़ी तो तुम कोई भी काम कर सकते हो इतों को पट्ठे लिया सकते हो कोई कार गोहे शोहे लियाने हो इसलिए भी कोई भी चीज़ बाहरों सब्जी लियानी हो सौदा वगैरह लियाना हर चीज़ आ जाती है। अच्छा ये दस कि रेहड़ी जी कि टाइम खुल जाती है मोटरसाइकिल रेहड़ी 1-2 मिनट खुल जाती मैं तुम खोल के दिखा देना खुद कि देर लगती है जितन मर्जी बंदा फिर भी सकता वे एक छोटी गली हो भी फिर टोर फिर सकती है। अच्छा अगर कोई होर भी लेना चाहे तो कोनो किथे आना पेगा किस तरह इस तरह की रेहड़ी जेड़ी है कितों मिलेगी एड्रेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा उस्मान भाई बताइएगा ये शहजादे ने आपसे ये रेहड़ी तैयार की है ये किस तरह से आपने तैयार करके दी है? जी जैसा कि आप जानते हैं मल्टीपल मशीनरी बनाने में डस्का इंजीनियरिंग पहले ही सबसे आगे है और डस्का इंजीनियरिंग का एक नाम है जो भी मशीन यहाँ पे तकरीबन दिखाई जाती है वीडियो दिखाई जाती है उसके साथ की बना दी जाती है। यही वजह है कि डस्का इंजीनियरिंग आजकल एक ब्रांड बन चुका है और बहुत सारे लोग इससे मिलते जुलते नाम रख के भी काम चला रहे हैं। तो ये रेडी क्योंकि कुछ लोग तो होते हैं वो रिक्शा ले लेते हैं और कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि मोटरसाइकिल पास हो मोटरसाइकिल के साथ सिर्फ अटैच करके अपना चारा जो है वो ले आए जानवरों के लिए या मंडी से सब्ज़ी वगैरह लानी है तो वो ले आए या और छोटे मोटे काम जिन्होंने करने हैं वो इस टाइप की फिर रेहड़ियाँ बनवा लेते हैं और उससे काम चला लेते हैं। तो ये रेहड़ियाँ भी हम तैयार कर देते हैं और भी एग्रीकल्चर की मशीनरी जो कोई डिमांड करे वो बना दी जाती है। अच्छा आप वहाँ पर बताइएगा जितनी भी एग्रीकल्चर के रेडी मशीनरी है या अपने आपके शोरूम पर जितनी भी है एक एक करके विजिट करवा दीजिए। जी ये रेडी बनाई है उसके साथ ही ये TMR मशीन है जो कि जानवरों को चारा अगर डालना है उसकी खुरलियों में जाके साथ साथ तो इसमें मिक्सिंग भी हो जाता है प्रॉपर अंदाज में और जानवरों को डाल भी सकते हैं। ये गोबर के रॉड बनाने वाली मशीन है जी उसके साथ ही ये साइलेज बनाने वाली ये छोटी मशीन है ये भी गोबर के रॉड बनाने वाली मशीन है। उसके अलावा चारा काटने के लिए भी हमारे पास मशीनें होती हैं जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं ये चारा काटने के लिए छोटी मशीनें हैं। उसके अलावा और भी मैं आपको दिखाता हूँ मिल्किंग मशीनें मिल्किंग मशीनों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है मिल्किंग मशीनें इसमें सिंगल बकेट सिंगल क्लस्टर सिंगल बकेट डबल क्लस्टर डबल बकेट डबल क्लस्टर ये मशीनें भी मिल जाती हैं। ये साइलेज मशीन के मुख्तलिफ मॉडल्स लगे हुए हैं 2D, 5D, 30, 40, 60 जो मॉडल कोई कहे वो बना उसे मिल जाता है। ओरिजिनल ब्राज़ील की चाहिए हो तो वो भी हमसे मिल जाती हैं और अगर कोई यहाँ की हमारी डस्का इंजीनियरिंग की तैयार मशीन लेना चाहता है वो भी उसे तैयार कर दी जाती है। अल मुख्तसर ये कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितनी भी मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं आप डस्का इंजीनियरिंग पर रब्ता करें उम्मीद है कि आपको हमसे वो मशीन मिल ही जाएगी। नंबर है 0311-490-91-57 इस नंबर पे व्हाट्सअप बना हुआ है जैसे ही आप व्हाट्सअप करेंगे लोकेशन ऑटोमेटिकली आपको सेंड हो जाएगी इस नंबर पे रब्ता करके आप मशीनें हासिल कर सकते हैं।